one has to do very hard work to make loss in the stock market. पीयूष पटेल सर का कोट है प्रॉफिट फ्रॉम इट के ओनर. मैंने 2018 में पहली बार जब इनके सेमिनार में सुना तो मुझे भी एक कॉन्ट्रावर्शियल लगा कि हर चीज के लिए हार्डवर्क तो बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर हमारी ज्यादातर हार्डवर्क जो होती है वो गलत दिशा में होती है. न्यूज बेस टिप्स ऑप्शन फ्यूचर से भी जो भी करना है, कोई विदाउट ट्रेनिंग सब करते रहते हैं, दूसरों के भरोसे पर चलते रहते हैं और वो सब हार्डवर्किंग करते 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 बहुत बार लॉस भी झेल चुके होते हैं. तो वो जब उसको ये सेंटेंस को सुनते हैं तो गलत लगता है, लेकिन जब उनके ऊपर सोचते हैं तो लगता है कि ना ये बात सही है. वेल्थ बनाना इतना हार्डवर्किंग काम नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क और सिंप्लिसिटी होगा तो ये इजीली बन सकता है. और ऐसी सोच रखने वाली जो कंपनी है उनके ओनर पीयूष पटेल सर इस साल 2021 में IFA अवार्ड के द्वारा सम्मानित किए गए बेस्ट स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया. तो और उसी के द्वारा चलती हुई एक मुहिम रिजल्ट एनालिसिस में डॉक्टर सुभाष पोंकिया डिसिपल ऑफ माय मास्टर पीयूष पटेल सर इस रिजल्ट एनालिसिस श्रृंखला में आप सबका स्वागत करता हूं और सत सत वंदन के साथ आज का एक नया प्रेजेंटेशन देखेंगे बंधन बैंक के बारे में. बंधन बैंक पूरा अगर थोड़ा सा हिस्ट्री देखो तो शुरुआत हुई 2001 में जब शुरुआत हुई तभी वुमन एम्पावरमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन और वेस्ट सॉरी बंगाल के रूरल एरियाज में माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस से शुरू किया. 2006 में उन्होंने एक NBFC को एक्वायर किया और बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बिजनेस शुरू किया. 2009 में जो माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस था उनको NBFC में जुड़ के एक रेगुलर बिजनेस किया और 2010 आते आते इंडिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस की इंस्टीट्यूट बन गई. 2015 में जैसे हमने देखा कि लिबरलाइजेशन के बाद रूरल एरियाज में इतना बैंकिंग पेनिट्रेशन नहीं था, वहां पर इतने फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होते थे, तो तभी गवर्नमेंट ने कुछ रीजनल बैंक्स को किसी यूनिवर्सल बैंक के तरीके से कुछ कुछ अलग से लाइसेंस देना शुरू किया. तो उसी दौरान माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट में से सबसे पहला अगर लाइसेंस मिला है तो बंधन बैंक को मिला था और 2523 बैंकिंग आउटलेट के साथ यूनिवर्सल बैंक से उन्होंने बैंकिंग का ऑपरेशन शुरू किया. और 2018 में जब IPO आया तो IPO के समय स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद इंडिया का सबसे बड़े बैंकों में से मार्केट कैप के हिसाब से 8th मोस्ट वैल्यूड बैंक बन गया. 2019 में उन्होंने जो HDFC का जो ग्रुप फाइनेंस का बिजनेस था कि जो रूरल एरियाज में वो जो फाइनेंसिंग करते थे उनको एक्वायर किया और 2021 में 1.5 लाख करोड़ का टोटल बिजनेस का माइलस्टोन अचीव किया. तो हिस्ट्री यहाँ तक हमें शानदार लगती है, आगे देखते हैं कैसा है. इनका बिरा जो बिजनेस मॉडल है वो दूसरे प्राइवेट बैंकिंग से अलग है, जैसे कि सर्विंग द अनडिजर्व्ड एंड अनसर्व्ड, जहां पर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है रूरल एरियाज में, एंटरप्रेन्योर टाइप के बिजनेस इसमें वहां पर बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है बैंकिंग सेक्टर, वहां पर ये लोग ज्यादा फोकस करते हैं. जैसे इसी तरह से अगर देखो तो रूरल एरियाज में हम देखते हैं कि उनको 35% कंट्रीब्यूशन है वो रूरल एरियाज से होता है, 39% सेमी अर्बन से, अर्बन और मेट्रोज में उनका जो बिजनेस है वो कम है. नंबर के हिसाब से देखो तो 34 स्टेट एंड यूनाइटेड टेरिटरीज में काम करते हैं, 500 से ज्यादा सिटीज, 5000 से ज्यादा बैंकिंग आउटलेट, 2 करोड़ से ज्यादा कस्टमर, 50,000 जितने एम्प्लॉइज और 31 लाख के CSR, ये बंधन बैंक का फिगर्स है. ये BSE के लिस्टिंग के हिसाब से देखो तो प्राइवेट बैंक के अंडर में आती है. प्राइवेट बैंक में अब तक हम देखें तो 18 कंपनियां अभी तक लिस्टेड है जिनका 22 लाख का मार्केट कैप है, 6 लाख करोड़ के आसपास सेल करती है और 77,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है. इनमें देखो तो सबसे जो बड़ी बैंक है वो HDFC. आगे भी आपने प्रेजेंटेशन देखा होगा मिस्टर प्रशांत खरे सर का, उन्होंने HDFC बैंक जब प्रेजेंट किया तो तभी यहाँ ये पूरा प्राइवेट बैंकिंग का पूरा एनालिसिस वहां पर आपको मिलेगा. लेकिन अगर यहाँ पर देखो तो HDFC, ICICI, कोटक, ये तीनों मोर देन 70-80% मार्केट कैप कवर करती है, जबकि बंधन बैंक यहाँ पर 2.2% है. यहाँ पर दोनों का बिजनेस मॉडल अलग है, तो इनका अगर हम कंपेरिजन करें तो फेवरेबल कंपेरिजन नहीं होगा, क्योंकि HDFC, ICICI, कोटक जितनी जो बड़ी बैंक है वो सब ज्यादातर मेट्रोज और अर्बन एरियाज में काम करती है
और बंधन है कि जो वहां पर बहुत काम करती है और रूरल एरिया में जहां पर कोई काम नहीं करता है, बहुत कम सर्विसेज अवेलेबल है, वहां पर काम करती है। तो दोनों का अपॉर्चुनिटीज अलग होगा, दोनों का रिस्क अलग होगा, दोनों के चैलेंजेस अलग होंगे। तो वो इसी तरह, इसलिए बंधन बैंक को हम कंपेयर करें तो स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग जो होती है उनसे उनके साथ कंपेयर करना चाहिए। तो स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग में अभी तक लिस्टेड टोटल 4 कंपनियां, एयू फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस, इक्विटास, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस एंड सूर्योदय बैंक, उनको साथ अगर कंपेयर करें तो बंधन बैंक का ऑलमोस्ट 50% जितना मार्केट के को कवर करके सेकंड नंबर पर एयू बैंक है। सेल्स में भी देखो तो बंधन बैंक 51% मतलब 15,000 करोड़ के आसपास, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 6,000 करोड़ के आसपास सेकंड नंबर पर है, और बाकी 3 कंपनियां। प्रॉफिट में भी बंधन बैंक ऑलमोस्ट 60% यानी कि 2,200 करोड़ के आसपास करती है, और एयू बैंक का 1,100 करोड़ के आसपास। यहाँ पर देखो तो एयू बैंक का प्रॉफिट हाफ है बंधन बैंक के हिसाब से, लेकिन मार्केट कैप उनको भी अच्छा मिल रहा है कंपेरेटिवली प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के इसी फिगर से हम देखें तो बंधन बैंक को अच्छी टक्कर देने वाली जो बैंक है एयू फाइनेंस बैंक दिखती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में देखो तो प्राइवेट बैंकिंग में देखो तो नेट प्रॉफिट मार्जिन एचडीएफसी कोटक अच्छी बैंक है, बड़ी बैंक है, उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, और बंधन यहाँ पर 3rd नंबर पर आती है। लेकिन ये दोनों का बिजनेस मॉडल अलग है, तो प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो होंगे वो भी अलग हो। तो अगर उनको कंपेयर करें स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग के साथ, यहाँ पर देखो तो ज्यादातर स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग का नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रहता है, क्योंकि वो जहां पर बिजनेस करते हैं वहां पर इतना कॉम्पिटिशन नहीं, तो इसकी वजह से इनके नेट इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। अर्बन एरियाज के जहाँ पर एचडीएफसी कोटक जैसी बैंक काम करती है, वहां पर कस्टमर के पास ऑप्शन है कि आप अलग अलग जगह पर जाओ, आपको कहाँ कम इंटरेस्ट में सर्विस मिल सकती है। रूरल एरिया से जहां पर कस्टमर के पास चॉइस नहीं है, वहां बैंकिंग के पास चॉइस है, तो वहां पर इंटरेस्ट रेट अर्बन से ज्यादा होता है। इस तरह से अगर एनपीए में देखो तो एचडीएफसी का सबसे कम एनपीए है, और यस बैंक आईडीबीआई का सबसे ज्यादा है, और उनका तो एक पूरा केस ही अलग है, वो आप सब जानते हो, उनके बारे में अगले सेशन में आपको डिस्कस करने को मिलेगा यस बैंक के बारे में। एचडीएफसी, इंडस, कोटक जिनका बहुत एनपीए कम है, लेकिन यहाँ पर देखो तो उज्जीवन है, बंधन बैंक है, सूर्योदय है, इन सबका एनपीए ज्यादा है, और ये पिछले लास्ट ईयर का है, मतलब इस साल ए एनपीए और बड़े होंगे क्योंकि प्रोविजनिंग हुआ होगा एक कोरोना की वजह से, जो मोरेटोरियम का इफेक्ट है, वो जहां पर जो एरियाज में काम करते हैं रीजनल प्लेयर्स है, स्मॉल फाइनेंसिंग करते हैं, तो वहां पर एनपीए बढ़ने की आशंका ज्यादा है। कंपेरेटिवली आरओई देखो तो रिटर्न ऑन इक्विटी में भी एचडीएफसी, आईसीआई, बंधन, उनका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, और कंपेरेटिवली अगर देखो तो पूरे स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऑलमोस्ट सभी बैंकों का रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा रहता है। तो इसी हिसाब से अगर देखें तो पूरा अगर प्राइवेट बैंक का अगर देखें तो उनमें भी बंधन बैंक कंपेरेटिवली उनका परफॉर्मेंस हम नेट प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से देखो, आरओई के हिसाब से देखो तो अच्छा लग रहा है। एक प्रॉब्लम यहाँ पर दिखती है कि एनपीए उनका कंपेरेटिवली बड़ा है। स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग के साथ भी कंपेयर करो तो एयू स्मॉल फाइनेंस है, बंधन बैंक है, ये दोनों कंपेरेटिवली एक अच्छी कंपिटेटर दिख रही है, लेकिन एनपीए का जो है वो इश्यू इस साल हमें दिख रहा है, आगे कैसा है वो देखते हैं। तो आगे देखने से पहले ये देखते हैं कि बिहेवियर एनालिसिस कैसा है, मतलब अब तक इतने सालों में बंधन बैंक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो सेल्स में देखो तो 2016 से 2020 तक 64% से उन्होंने सेल्स में ग्रोथ किया है, और इसी साल भी 18% का ग्रोथ आया है, जबकि क्रेडिट ग्रोथ कम है, फिर भी यहाँ पर हमें थोड़ा अपस्टिक एक दिख रहा है। यहाँ पर देखो तो एक 2019 से 2020 में 7,000 करोड़ था, वो 12,000 करोड़ हो गया, ये इतना जंप आया है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रुप फाइनेंस। जो हमने आगे देखा कि जो एचडीएफसी का ग्रुप फाइनेंस इन लोगों ने एक्वायर किया, तो एक कंपनी थी ग्रुप फाइनेंस, एक थी बंधन बैंक, दोनों का मिलकर ए है, इसीलिए यहाँ पर हमें ज्यादा जंप दिख रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखो तो 5 साल में 82% मतलब अच्छा ग्रोथ है, ज्यादातर स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग का ग्रोथ अच्छा होता है और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी होती है। यहाँ पर भी 2000 करोड़ था वो 3000 करोड़ हो गया, ये भी एक ग्रुप फाइनेंस का यहाँ पर इफेक्ट है, लेकिन इस साल कोविड की इफेक्ट आई है और एक कोविड से नेगेटिवली पूरा फाइनेंशियल सेक्टर नेगेटिवली स्मॉल फाइनेंस बैंक को थोड़ा ज्यादा इफेक्ट आया, 27% से प्रॉफिट घटा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अभी तक जो 24-25% के
आसपास चल रहा था वो इस साल 15% हो गया है. ग्रोस एनपीए देखो तो ग्रोस एनपीए यहाँ पर हमें वार्निंग साइन पिछले एनुअल रिजल्ट के हिसाब तब भी हमें एक दे दिया था कि एक जो 1-2% के आसपास था वो 7% हो गया है. तो एक अलार्मिंग साइन है. आगे आगे में देखना पड़ेगा कि इसमें क्या चेंजेस आते हैं. तो आउटलेट्स कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं क्योंकि वो तो अभी ग्रोइंग एरियाज में है तो आउटलेट्स तो बढ़ेंगे. कस्टमर का बेस भी 22% सीएजीआर से बड़ा है और 5 साल में डबल से भी ज्यादा हो गया. डिपॉजिट्स दी जो उनकी 45% सीएजीआर से बढ़ी है, 12,000 करोड़ थी वो भी 78,000 करोड़ के आसपास हो गई है. डिपॉजिट बढ़ी है उनके ऊपर तो उनको इंटरेस्ट देना है, वो तो लायबिलिटी है, लेकिन उनके साथ जो बढ़ना चाहिए एडवांसेस लोन एयूएम बढ़ना चाहिए. और एयूएम भी जिस तरह से डिपॉजिट बढ़े उसी तरह से एयूएम भी बढ़ रहा है और पिछले 4 साल में 39% से बढ़ा है. रिजर्व भी 48% से बढ़ा है. तो इसी तरह से अगर पूरा देखे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, रिजर्व एयूएम बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, डिपॉजिट बढ़ रही, सभी फैक्टर अच्छे है. एक हमें जो दिख रहा है कि एनपीए का एक हमें अलार्मिंग साइन मिला है तो आगे देखेंगे कि क्या होता है. अगर H1 के रिजल्ट के हिसाब से देखो तो मेजर कॉस्ट यहाँ पर है कि प्रोविजनिंग बहुत है. 62% कॉस्ट मतलब 7,000 करोड़ का प्रोविजनिंग हुआ है. इनकी इफेक्ट डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी में दिखेगी, राइट. बाकी सेकंड इंटरेस्ट बैंक का काम ही है इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट तो उनका मेजर कॉस्ट में होगा ही. शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देखो तो 2018 में 82% था प्रमोटर का होल्डिंग, 61% हुआ 2019 में, 21 में 40% हुआ. एक कुछ आरबीआई की जो गाइडलाइंस होती है कि प्रमोटर को इतना स्टेक होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए, वो सब इसी हिसाब से चेंजेस हुए हैं. लेकिन उसी दौरान म्यूचुअल फंड का जो शेयर होल्डिंग है वो सेम रहा है, लेकिन एफआईआई ने बहुत अच्छे से शेयर होल्डिंग बढ़ाया है. 5 से 15 हुआ और अभी लास्ट ईयर 34% था. बैंक इंश्योरेंस का खास कुछ नहीं है. अदर्स का भी 8% था, वो 70% हो गया. रिटेल का 1% से 5 और 5 से 8% हुआ है. जैसे प्रमोटर का कम हुआ है वैसे बाकी का लोगों का शेयर होल्डिंग बढ़ा है. वो आगे 1-2 साल में और हमें यहाँ पर क्लेरिटी दिखेगी कि प्रमोटर का स्टेक होल्डिंग स्टेक होता है तो बाकी कौन कौन से शेयर होल्डर्स कहाँ पर बढ़ता कम होता है. पास्ट बिहेवियर में देखो तो पीछे तो बहुत अच्छा था, 4 सालों में 64% का सेल्स, 82% का प्रॉफिट ग्रोथ, मार्जिन भी 24%, अच्छा था. लेकिन एक कोविड यहाँ पर एक विलन साबित हुआ है और कोविड की मार पड़ी. प्रॉफिट सेल्स 18% हो गए, प्रॉफिट -27% हो गए, मार्जिन भी 15% पर आ गया. करंट ट्रेंड में देखो तो सेल्स में इतना है कि क्रेडिट ग्रोथ नहीं है तो सेल्स कम होना जायज है. 9 मंथ में 19% था, एनुअल में 18, Q1 में 16 और H1 आते आते 10% हो गया. तो इसी हिसाब से देखो तो इस साल खत्म होते होते 10% सेल्स ग्रोथ हो सकता है. लॉन्ग टर्म जैसे कि पास्ट में उनका परफॉर्मेंस देखते हैं तो उसी हिसाब से 20% एक्सपेक्ट कर सकते हैं. प्रॉफिटेबिलिटी पर यहाँ पर मार पड़ी है कि जो 9 मंथ में 16% का डी ग्रोथ था, एनुअल में 27 हुआ, Q1 में 32 हुआ और H1 आते आते 280%, मतलब ये ह्यूज प्रोविजनिंग यहाँ पर हम दिखते हैं. तो इस साल कंपनी लॉस कर सकती है और प्रॉफिट -150% से आएगा. लॉन्ग टर्म में बिजनेस मॉडल और उनका पूरा हिस्ट्री देखो तो उस हिसाब से 20% एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मार्जिन के अगर हिसाब से देखो तो सेल्स ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट जितना रहा है, इस बार थोड़ा 10% के आसपास कम है, लेकिन कंपेरेटिवली इतना क्रेडिट ग्रोथ के हिसाब से ठीक ठाक है. लेकिन मार्जिन कंटिन्यूसली डाउन हुआ है, 19 का 15 हुआ, 9 हुआ और इस साल तो इस बार 934 हो गया. तो ये साल खत्म होते होते अगर -10% रहता है तो भी कंपनी लॉस करेगी. लॉन्ग टर्म में तो 20% एक्सपेक्ट कर सकते हैं. H1 में अगर देखो तो सेल्स ऑलमोस्ट 10% से बढ़ा है यहाँ पर, लेकिन प्रोविजनिंग बहुत बढ़ गया. जो 1200 करोड़ का था वो 7000 करोड़ हो, मतलब जितना सेल्स है उतना ऑलमोस्ट प्रोविजनिंग हुआ है. कॉस्ट भी कंपेरेटिवली इतना बढ़ा है और इसी वजह से इस क्वार्टर में इस H1 में हाफ ईयर रिजल्ट्स में कंपनी ने 2600 करोड़ का 2600 करोड़ का लॉस किया है, राइट. तो यहाँ पर है कि एक हम देखते हैं कि जो प्रॉफिटेबिलिटी में इफेक्ट आया वो एनपीए बढ़ा, प्रोविजनिंग ज्यादा करना पड़ा, तो इसी वजह से यहाँ पर हमें लॉस दिख रहा है.
मार्जिन में भी देखो तो जो 21% का था पिछले साल H1 में, वो इस साल 34% हो गया, और इनकी सबसे बड़ी वजह है NPA जो 1-2% के आसपास 11% हो गया। तो जो अगले एनुअल रिपोर्ट में भी हमें एक वार्निंग साइन मिल गया था कि भाई आप सतेज रहो कि 7% के आसपास तो पहुंच चुके हैं, तो ये पिछले 6 महीनों में 7-10% मतलब ये NPA बढ़ते जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक क्वेश्चन है। प्रेडिक्शन अभी करना थोड़ा मुनासिब नहीं समझा जाएगा, क्योंकि इस तरह जो भी NPA बढ़ रहे, प्रोविजनिंग बढ़ रहा है, तो वो अगले नेक्स्ट रिजल्ट्स में क्या उसका ट्रेंड रहता है, उसी रिजल्ट्स को ट्रैक करने के बाद यहाँ पर कुछ प्रेडिक्शन लगाना चाहिए। तो टेक्निकल हिसाब से भी देखो तो कम, जब से IPO आया, IPO के बाद एक थोड़ा बाउंस आया, बाउंस के बाद जब इसमें करेक्शन आया तो यहाँ पर 400 रुपये के आसपास सपोर्ट लिया था, फिर एक बार ऊपर जाने की कोशिश की, फिर 400 पे सपोर्ट लिया, और एक रेंज बाउंड में घूमता रहा, और कोविड के दौरान 400 का जो सपोर्ट था वो तोड़ दिया और एक नया लो बनाया। लो के बाद वो रिकवर होने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर फिर से हम देख रहे हैं कि ये इनको जो पहले सपोर्ट था वो अभी एक रेजिस्टेंस बन गया है, और अभी भी ये पूरा एक NPA का जो डाउन एक आया है, प्रोविजनिंग बढ़ा है, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी पर कैसे असर करता है, आगे के रिजल्ट्स कैसे आएंगे, उनके हिसाब से हमें यहाँ पर अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। और जिस तरह से NPA बढ़े है, उसी तरह से अगर आगे का परफॉर्मेंस देख के अगर ज्यादा वेटेज दिया है तो यहाँ पर वेटेज थोड़ा कम करना चाहिए, अगर 400 रुपये के आसपास आता है तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करके वेटेज कम करना चाहिए, और अगर डीप बाय ऑन डिप का जो यहाँ पर एडवाइजेबल नहीं लगता है, क्योंकि जो जिस तरह से NPA बढ़े है, फिर भी अगर ये 200 के आसपास या तो नए लो के आसपास आता है तो अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आप पोजीशन बना सकते हो, लेकिन वाइज ये होगा कि अगले क्वार्टर के या तो अगर एनुअल रिपोर्ट में अगर क्या ट्रेंड रहता है प्रोविजनिंग NPA में, उसी हिसाब से हमें इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। ये कोई टिप्स नहीं है, जो डिस्क्लेमर है कि सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है, और आप अगर उसमें आपका व्यू इसमें डिफर भी हो सकता है, आपको पोजीशन बनाना नहीं बनाना वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस लेकर ही करिएगा। एंड थैंक यू सो मच।